हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। विद एनिमेशन हम इसको भी देखेंगे ना। तो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? बच्चों, इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस। इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो इलेक्ट्रिकल सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है कि देखो, दो तरह के आज मैं सेल्स में समझाऊंगा, है ना। वैसे तो बहुत तरह के सेल होते हैं केमिस्ट्री में, उसको आप डिस्कस भी कर लोगे जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे। कोई केमिकल काइनेटिक्स करके एक चैप्टर है ना, तो वहां पर आप पढ़ लोगे। लेकिन मैं आपको जो है बेसिक फंक्शन सेल के समझाऊंगा। जो मेन दो सेल हम यूज करते हैं जनरल लाइफ में, तो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है वो ना, जिसमें लेड एसिड सेल उसको बोलते हैं, उसमें सेल उसमें एसिड भरा रहता है H2SO4। और एक जो हमारी मोबाइल फोन की बैटरी, कार वगैरह की बैटरी, इसको ड्राई सेल हम बोलते हैं। तो उन दो सेल को हम अच्छे से आज डिस्कस करेंगे, है ना। समझेंगे कि चार्जिंग कैसे होती है, डिस्चार्ज कैसे होती है, तो ये सब बातें समझेंगे। फिर सेल का कॉम्बिनेशन समझेंगे और फिर हम समझेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सेल? तो ये हम बता चुके हैं। तो देखो, ये बेसिक सी सेल को हम समझने जा रहे हैं, जिसको हम पहले करेंगे लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल, तो लेड एसिड सेल में देखो क्या होता है, नाम से पता लेड। तो एक तो होता है लेड परऑक्साइड, जिसको आप लेड डाइऑक्साइड भी कह सकते हो। ये एक रॉड होती है, जिसको एनोड बोल लो। तो ये होती है PbO2, लेड परऑक्साइड, है ना। ये एक रॉड होती है। और एक रॉड होती है बच्चों हमारे पास प्योर लेड की, दिस इज प्योर लेड। तो दो तरह के रॉड होती हैं, है ना। अब इसमें हम सॉल्यूशन भर देते हैं, किसका? H2SO4, 38% H2SO4, 62% वाटर। परसेंटेज वगैरह याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बस कह लो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन भर देते हैं H2SO4 का। ओके, अब इससे क्या होगा? देखो, इनिशियली जब वाटर है ना, वाटर जो है वो रिएक्शन करता है किसके साथ? H2SO4 के साथ। और ये जो H2SO4 है बच्चों, ये अपने आयन्स में टूट जाता है। कौन कौन से आयन में? H+ जो 2 है तो ये हो जाएगा 2H+, और SO4 माइनस सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। अब ये हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन तैरने लगते हैं ऊपर, है ना। तैरते हाइड्रोजन आयन इसके पास भी जाते होंगे, पीबी के पास। लेकिन पीबी से H+ की कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि दोनों ही सेम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अच्छा जी, अब यहां क्या होता है, 2H+ आयन इससे टकराया, कोई रिएक्शन नहीं हुई पीबी के साथ। इससे भी टकराया होगा ना, रॉड है ये PbO2 की, तो इससे जब टकराता है तो रिएक्शन हो जाती है। देखो, PbO2 being electronegative reacts with H+ ion, ठीक है। ये इससे क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, सॉरी इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है ना। तो ये इससे क्या करते हैं, अरे जो भी कहो छोड़ो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा उसमें घुसने जरूरत नहीं है। तो PbO2 plus 2H+ इनिशियली बनता है PbO, लेड ऑक्साइड प्लस H2O, वाटर, है ना। ये इनिशियली बनता है, लेकिन लेड ऑक्साइड जो होता है ये स्टेबल नहीं होता, ये अनस्टेबल होता है। तो फिर से लेड ऑक्साइड जो है PbO, वो फिर से H2SO4 से रिएक्शन कर लेता है। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल भरा पड़ा है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इससे रिएक्शन कर लेता है, बनाता क्या है, PbSO4 plus H2O। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है PbSO4, इसको भी ध्यान रखेंगे आप, PbSO4 को। ये लेड सल्फेट ये कहां जाता है, इस पे जमा होता रहता है लेड पे। ये जो PbO की जो है ये परत है, इस पे चढ़ता रहता है PbSO4, लेड सल्फेट इस पे चढ़ता रहता है इस तरह से। और साथ साथ देखो क्या हो रहा है, H+, तो ये दोनों क्या, ये इलेक्ट्रॉन अपना एक इसको गिफ्ट कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है ना, PbO2 plus 2H+, तो इसने दो इलेक्ट्रॉन अपना दे दिए इसको। तो जैसे इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या बन गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। बोलो, PbO2 plus 2H+, तो H+, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन इसने दिए, तो इलेक्ट्रॉन जैसे इसने इसको दिया तो क्या आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं पॉजिटिव साइड। सिमिलर प्रोसेस देखो बच्चों यहां पर होती है, SO4 -- जो होता है वो लेड के पास जाता है, सबसे पहले इसको दो इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, अनस्टेबल है क्योंकि SO4 -- रिएक्शन नहीं करेगा, तो SO4 -- इसको दो इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो जैसे इसने इसको दो इलेक्ट्रॉन दे, कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और क्या बन गया, रेडिकल SO4, है ना, SO4 बचा। अब SO4 फिर से अनस्टेबल है, तो पीबी से रिएक्ट कर लेता है और क्या बनाता है, PbSO4, यानी कि ये भी लेड सल्फेट की परत इस पे चढ़ने शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहां देखो एक साथ बच्चों दो प्रोसेस हो रही हैं। प्रोसेस एक क्या हो रही है कि ये चार्ज हो रहा है, बार बार हाइड्रोजन आयन जाता है,
अपना चार्ज इसको देता है प्लस का चार्ज, या इससे इलेक्ट्रॉन लेता है की बात है ना, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर प्लस प्लस चार्ज आने लगता है हाइड्रोजन की वजह से। ऐसे सल्फेट आयन यहाँ पर जाता है, इसे रिएक्ट करने से पहले अपना चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का है उसको गिव कर देता है, माइनस माइनस चार्ज बनाता है, है ना। तो इस तरह से एक साइड देखो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव हो जाता है, इनके हाई पोटेंशियल हो जाता है, और एक साइड क्या हो जाता है, लो पोटेंशियल हो जाता है, यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब क्या होता है कि बहुत सारे आयन इधर फ्लो होने लगते हैं, तो बहुत सारा चार्ज इधर आ जाता है, ऐसे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इधर आ जाता है, और एक लेड सल्फेट की परत भी चढ़ने लगती है ना, PbSO4 तो बन रहा है लगातार। इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो देखो क्या हुआ, अब जब इस पर पर्याप्त मात्रा में ना सफिशियंट अमाउंट में इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऐसे ही इस पर सफिशियंट अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो अब फर्दर SO4 आयन इससे नहीं टकरा सकते, है ना, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल इच अदर। तो जब इस पर सफिशियंट अमाउंट में SO4 आ गया तो ये रिपेल करने लगता है SO4 को, सिमिलरली ये भी क्या करने लगता है, H+ आयन को रिपेल करने लगता है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में क्या करने लगते हैं, रिपेल करने लगते हैं, और इस पर अब पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता और नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, अब इससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता, है ना, क्यों नहीं हो सकता पता लग गया, क्योंकि अब और इस पर प्लस चार्ज नहीं आ सकता, अब इस पर और माइनस चार्ज नहीं आ सकता, इसी चीज का नाम क्या है बच्चों, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, जब बैटरी पर और ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं हो सकता, है ना, सेल पर। अभी इसको हमने किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं किया है, तो EMF जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब क्यों फोर्स, क्योंकि इनिशियली ऐसा लगता है कि फोर्स किए जा रहे हैं चार्ज को, क्या किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है चिपकने के लिए, इधर प्लस वाले जाओ और इधर माइनस वाले जाओ, तो इसलिए इसका नाम फोर्स रखा गया था, हालांकि ये है कुछ नहीं, फोर्स नहीं है, ये वोल्टेज ही है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो EMF क्या होता है, यहां से क्लियर कर लो, EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन नो एक्सटर्नल अप्लायंस इज कनेक्टेड, जब बाहर कुछ भी कनेक्ट बैटरी से या सेल से नहीं किया गया। अच्छा, सेल या बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, ठीक है, बहुत सारे सेल आपस में सीरीज में पैरेलल में जैसे भी करो तो उसको बैटरी बोलते हैं। तो ये प्रोसेस समझ में आ गई कि सेल पर EMF किस तरह से डेवलप होता है ना, तो प्लस प्लस चार्ज इधर इकट्ठा होता रहता है और माइनस माइनस चार्ज इधर इकट्ठा होता रहता है, तो जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, क्लियर है। तो ये हमने पढ़ा कि इनिशियल प्रोसेस किस तरह से होती है। अच्छा, इसके बाद अगर इसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया जाए, इसके बाद अगर इसको हमने एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया, इस पर प्लस चार्ज आ चुका है, इस पर माइनस आ चुका है, अब मैंने इसको बाहर किसी लोड से बल्ब से कनेक्ट कर दिया, अब क्या होगा, तो आंसर इज वेरी सिंपल, इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां से यहां फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, यही तो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, या कह लो कि पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां फ्लो होना शुरू हो जाएगा, वो ट्रेन वाला एग्जांपल हमने समझ रखा है, ट्रेन और पेड़ का, है ना, तो पॉजिटिव चार्ज यहां फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यानी कि करंट एक इस तरह से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, जैसे ये दो चार्ज दो प्लस प्लस यहां चाहेंगे, तभी तुम्हें बताया 2H+ है भी मौजूद, वो वापस इसकी जगह ले लेगा, है ना, अब ये केमिकल प्रोसेस तो चली रही है ना अंदर, H++ तो है ही, तो जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन या यहां से कह लो यहां से दो इलेक्ट्रॉन यहां गए, तो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हुआ, थोड़ी जगह खाली हो गई, तो तभी दो इलेक्ट्रॉन SO4 के यहां गए, ठीक है। तो मतलब ये जो है EMF को क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ये बैटरी का जो EMF है उसको कम नहीं होने देते, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो दो पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो हुए, जैसे तभी जो है 2H+ यहां पर आ गया और रिएक्शन कर लिया, रिएक्शन करके वो क्या बना रहा है, PbSO4, ऐसे ही SO4- इधर रिएक्शन करके क्या बना रहा है, PbSO4, ठीक है। अब तो फिर तो ये लग रहा है कि भाई ये तो रिएक्शन चलती रहेगी, तो कभी बैटरी जो है डिस्चार्ज ही नहीं होगी, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा H+ आ जाएगा, काम खत्म, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा काम खत्म, बात समझे। तो एक कंप्लीट ये सर्किट बनता हुआ लग रहा है, इसको आप देखो ऐसे भी समझ सकते हो कि यहां से इलेक्ट्रॉन गया 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 गया, यहां से मान लो दो इलेक्ट्रॉन गए ना, दो इलेक्ट्रॉन गए 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 यहां मिल गए, खत्म हो गए ना, दो इलेक्ट्रॉन्स के पास फिर से आ गए। अब डिपेंड नहीं करता वो कहां से आए, देखो सर्किट पूरा होना चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से गए उतने इलेक्ट्रॉन यहां आ जाने चाहिए, तब उसको बोलते हैं करंट फ्लो होने लगा, जरूरी नहीं कि वो कहां से आए, यहीं से चल के आए नहीं आए, दैट डजंट मैटर। तो देखो दो इलेक्ट्रॉन आए गए यहां से टिंग 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 गए, फिर यहां देखो SO4-, वो तुरंत यहां चला गया, तो एक पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, अंदर वो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे, अंदर जो है इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है ना, SO4-। दो इलेक्ट्रॉन इधर गए 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 यहां गए,
यहां जैसे ही गए तो वहां H+ आयन आ गया, है ना, H+ आयन को उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो न्यूट्रल हो गया। ऐसे SO4- इधर चला गया तो उसने इसको दो इलेक्ट्रॉन दे दिया। अभी तो हमने रिएक्शन देखी थी। तो जैसे यहां दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुए, वैसे ही दो इलेक्ट्रॉन यहां एक्स्ट्रा हुए, वैसे कौन आ गया, 2H+। ठीक है, 2H+ ने इन दो इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करी और यह क्या बन गया, 2H, है ना, 2H आयन बन गया। और 2H आयन ने फिर से किससे रिएक्शन करी, PbO2 से, और वो क्या बन गया, PbO। और PbO ने फिर से H2SO4 से करी, जो भी हमने पढ़ा था ना, तो क्या बन गया, PbSO4। तो PbSO4 की लेयर भी चढ़ती जा रही है, इसका भी ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा फिर से ऐसे इधर समझते हैं। तो जैसे यहां से दो इलेक्ट्रॉन गए तो यहां थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज मान लो आ गया ना, दो इलेक्ट्रॉन गए तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना, तो दो इलेक्ट्रॉन गए तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आया, तभी क्या हो गए, SO4- आ गए। तो SO4- ने दो इलेक्ट्रॉन इधर वापस सप्लाई कर दिए, तो ये कंटिन्यूअस एक फ्लो जो है बना रहता है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे तो ये रिएक्शन चलती रहेगी और बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होगी। तो अभी बच्चों हमने देखा कि एक जो है कंपाउंड बन रहा है, जिस कंपाउंड का नाम क्या है, PbSO4। ठीक है, तो PbSO4 इन एनोड और कैथोड पर जमा होता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, तो जब सफिशियंट अमाउंट में PbSO4 इकट्ठा हो जाता है, मान लो पूरी सरफेस पे ये PbSO4 चढ़ गया, रिएक्शन हो जा रही है ना बार-बार, तो जब सफिशियंट अमाउंट में PbSO4 दोनों तरफ इकट्ठा हो जाता है, तो फर्दर आयन का जो पासेज है या आयन जो जा रहे थे वो मूव नहीं कर पाते, रिएक्शन नहीं कर पाते, है ना भाई। SO4- किससे रिएक्शन कर रहा था, पहले दो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, फिर पीबी से रिएक्ट कर रहा था, लेकिन ये PbSO4 की लेयर यहां पर चढ़ गई, तो SO4- अब PbSO4 से रिएक्ट नहीं कर पाता। बात समझ आई कि नहीं? तो इस तरह से प्रोसेस रुक जाती है, उसको हम बोलते हैं कि बैटरी हो गई डिस्चार्ज। तो फिर से एक बार समझो, हुआ क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन गए, जैसे यहां से दो इलेक्ट्रॉन गए, SO4- आयन आए, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, यहां पर गए इलेक्ट्रॉन, गए यहां पर, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आए न्यूट्रलाइज करने के लिए, इधर से H+ आयन आ गए, वापस चार्ज को मेंटेन कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, जो इलेक्ट्रॉन यहां से आए थे। तो दो प्रोसेस साथ साथ चलते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाते हैं, H+ आयन को न्यूट्रलाइज भी करते रहते हैं। ऐसे यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन यहां गए, पॉजिटिव चार्ज आया, SO4 उनको न्यूट्रलाइज भी करते रहते हैं और PbSO4 बनाते रहते हैं। तो PbSO4 की लेयर चढ़ने की वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि प्रोसेस रुक जाती है और आयन इससे रिएक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर एक लाइन में इसको समझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहां से देखो इलेक्ट्रॉन जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं फिर वापस, लग रहा है कि नहीं, देखो SO4- इलेक्ट्रॉन गए, जैसे ही गए वैसे क्या हुआ, SO4 ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो फिर से वापस आ गए, इलेक्ट्रॉन गए फिर से वापस, इलेक्ट्रॉन गए फिर से वापस, हालांकि ये वाले आए वो वाले आए उससे मतलब नहीं है। ओके, तो ये इस तरह से कंटिन्यूस फ्लो होता है। तो रिएक्शन क्यों रुकती है, तो आंसर पता लग गया, क्योंकि PbSO4 की जो लेयर है वो चढ़ती जाती है, तो हम कह देते कि बैटरी अब डिस्चार्ज हो गई। ओके, अब इस बैटरी को फिर से आप रिचार्ज कर सकते हो। कैसे करोगे रिचार्ज, देखो ये PbSO4 की लेयर अब चढ़ चुकी है, इस पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, ये पॉजिटिव साइड थी हमारी और ये हमने इसको नेगेटिव साइड है ना, ये PbSO4 की इस पे लेयर चढ़ी हुई है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सटर्नल बैटरी या एक्सटर्नल सेल से कर देना है कनेक्ट, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, इस तरह से। देखो उससे क्या होगा, जैसे इधर नेगेटिव से हमने कनेक्ट किया तो क्या होगा, H+ आयन जो है, H+ आयन तो फ्लो हो रहे हैं ना, अब वो फोर्सफुली अट्रैक्ट होंगे, पहले तो नहीं हो रहे थे, पहले क्यों नहीं होते, क्योंकि PbSO4 की एक लेयर चढ़ी हुई थी, है ना, तो कोई फोर्स वो फील नहीं कर रहे थे। लेकिन अब हमने नेगेटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर दिया, ध्यान से देखो, तो जैसे ही आपने इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, वैसे ये H+ आयन क्या करेंगे, एक अट्रैक्शन इसकी तरफ फील करेंगे और ये इससे जाकर के रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही PbSO4+H+2H+ मान लो, इससे जाकर के क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो क्या बन जाएगा वापस, PbPlus H2SO4। देखो क्या बन गया, फिर से PbPlus H2SO4, यानी PbSO4 जो है जिस पे लेयर चढ़ी हुई थी, अब ये धीरे धीरे डिजोल्व होना शुरू हो गया। अब जैसे डिजोल्व होना शुरू हुआ तो पता लग गया SO4- आयन लगे चिपकने लगे। ठीक है, तो ये इस तरह से PB, जैसे हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, H+ आयन जाके इससे टकराते हैं और ये PbSO4 को डिजोल्व कर देते हैं। इसी तरह से SO4- इधर जाते हैं और इस PbSO4 को डिजोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो जब ये PbSO4 पूरी तरह डिजोल्व हो गया तो अभी फिर से फ्री हो गए दोनों रॉड और इन पे जो है -, +++++ जब चार्ज आ जाता है, जब जितना चार्ज स्टोर कर सकती थी हो गया, आयन की रिएक्शन फिर से रुक जाती है और बैटरी हमारी फुली चार्ज हो जाती है। तो ये था बच्चों लेड एसिड बैटरी की वर्किंग, जिसको आपने बहुत ध्यान से समझा है ना।
आप देखो इसको फिजिक्स की भाषा में समझते हैं। मैंने कोशिश करी कि आपको इसके पीछे केमिस्ट्री भी समझाऊं, नाउ आई एम ट्राइंग टू जस्ट सिंप्लीफाई इट। तो इसको सिंप्लीफाई आप इस तरह समझ सकते हो कि एक सेल होती है, एक रॉड होती है इसको एनोड बोलते हैं, एक रॉड होती है इसको कैथोड बोलते हैं, ये PbO2 की होती है, हालांकि इससे मतलब नहीं है, ठीक है, फिजिक्स में इससे कोई मतलब नहीं है, और ये Pb की होती है, यहाँ एक सॉल्यूशन भरा रहता है, ठीक। यहाँ प्लस 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 चार्ज आ चुका है किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से, माइनस माइनस चार्ज आ चुका है बैटरी के केमिकल रिएक्शन की वजह से, है ना, बैटरी के जो रिएक्शन क्या है याद रखो तो बढ़िया, ना रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो बैटरी के केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ प्लस चार्ज आ चुका है, बैटरी के केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो बेसिकली बैटरी ने क्या किया है, बैटरी ने क्या किया है, केमिकल एनर्जी को, जो केमिकल प्रोसेस हुई है उस केमिकल एनर्जी को प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में या इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है, और ये बैटरी का फंक्शन है, है ना। तो मान लो कि जो बैटरी है, बैटरी को वर्क करना पड़ा ना, रिएक्शन करके वर्क कर रही है, देखो इधर फोर्सफुली पुश किया जा रहा है, भाई प्लस प्लस चार्ज है H++, उनको फोर्सफुली इधर पुश किया जा रहा है, तो बैटरी इज डूइंग वर्क, जैसे आपने इसको देखो कनेक्ट करा इस तरह से, है ना, जैसे इसको कनेक्ट किया तो क्या हो रहा है, देखो H प्लस आयन कहां जा रहे हैं, H प्लस आयन को कहां जाना चाहिए था, तो आंसर इज वेरी सिंपल, नेगेटिव साइड जाना चाहिए था, लेकिन H प्लस आयन नेगेटिव साइड नहीं जा रहे, कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव साइड। क्यों जा रहे हैं, अभी हमने पढ़ी रिएक्शन कि जैसे ही यहां से दो चार्ज प्लस के कम हुए, या कह लो कि दो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हुए, वैसे ही SO4 इसकी जगह लेने आ गए, माइनस माइनस, वैसे ही H प्लस की जगह लेने आ गए, है ना। अब उसको इतना समझने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो छोटे से फॉर्म में कि यहां जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता ड्यू टू बैटरी मैकेनिज्म। बैटरी का मैकेनिज्म क्या है वो मैंने बता दिया, तो बैटरी के मैकेनिज्म की वजह से जो प्लस चार्ज है वो प्लस की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाता है या पुश कर दिया जाता है, और जो माइनस चार्ज है SO4 माइनस माइनस वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही पुश कर दिया जाता है, किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा, ना बैटरी उसको पुश कर देती है, तो बैटरी पुश करती है तो फोर्स लगाती होगी, तो हमने बैटरी के फोर्स को बोला FB, which is not electrostatic force, which is the force of battery, है ना, बैटरी का फोर्स है। अब इसलिए मान लो d डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच की, तो कितना किसका आया, कितना वर्क किया, FB बैटरी का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दिस वर्क इज डन बाय बैटरी, बैटरी ने तो वर्क किया भाई है, बोलो। अरे भाई जो H प्लस प्लस आयन थे वो ऑब्वियसली कहाँ जाने चाहिए थे, नेगेटिव साइड जाने चाहिए थे ना, ऐसे ही जो SO4 माइनस माइनस आयन थे वो ऑब्वियसली कहाँ जाने चाहिए थे, प्लस की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अभी हमने देखा कि जैसे ही हमने इसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया वैसे ही क्या हुआ, वैसे ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन इधर जाके इधर फ्लो हो गए, और जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन इधर खाली हुए तो इनकी जगह लेने के लिए कौन आ गए, SO4 माइनस माइनस न्यूट्रलाइज करने के लिए। ऐसे ही जैसे यहां दो इलेक्ट्रॉन आए तो प्लस चार्ज को इसने न्यूट्रलाइज किया, इनकी जगह लेने के लिए तभी कौन आ गए, H प्लस प्लस, तो प्लस वाले आयन इधर जा रहे हैं, माइनस वाले माइनस साइड जा रहे हैं, ड्यू टू मैकेनिज्म ऑफ बैटरी, इसको ऐसे समझ लो, ज्यादा रिएक्शन याद कर लो ना करो तो, ठीक है। तो ये वर्क डन है, अब बताओ वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना किया बैटरी ने, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मान लो क्यू चार्ज बैटरी यहां से यहां इकट्ठा करती है या क्यू आयन को यहां से यहां भेजती है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एंड दिस इज नोन एज वोल्टेज एंड ऑल्सो EMF ऑफ द बैटरी, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय बैटरी इज कॉल्ड EMF ऑफ द बैटरी, और द EMF ऑफ द बैटरी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स व्हेन नो एक्सटर्नल सर्किट इज कनेक्टेड, ओके। तो इसको आप EMF की डेफिनेशन आप यहां से समझ सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चार्ज। ये बात समझ में आई, EMF क्या होता है, तो EMF क्या है, वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय द बैटरी नॉट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन बैटरी क्या कर रही है, बैटरी प्लस वाले को प्लस की तरफ पुश कर रही है और माइनस वाले को माइनस की तरफ पुश कर रही है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी, इसकी एनिमेशन और देखेंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगी, ठीक। देखो दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसको लेड एसिड सेल कहते हैं, एक एनोड है, कैथोड है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी जो है वो कैथोड है, इनकी नेगेटिव प्लेट है, और राइट हैंड साइड पर जो है वो एनोड है, इनकी पॉजिटिव प्लेट है PbO2 की, है ना। तो ये देख रहे हो, तो जैसे हम इसको एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट करते हैं, देखो लेफ्ट साइड से इनके नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने लगते हैं, सर्किट में जाने लगते हैं, है ना, या कह लो कि राइट साइड से पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाने लगता है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं वैसे ही सल्फेट आयन आ जाते हैं इनकी जगह लेने, बैटरी से जो सल्फेट आयन बन रहे थे, और PB से रिएक्शन करके PbSO4 बनाते हैं,
ठीक है। सिमिलर प्रोसेस राइट साइड में इनके एनोड पर होता है। तो जैसे ही यहाँ पर लेफ्ट साइड से इनके नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जैसे ही यहाँ पर आते हैं वैसे ही हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कर देता है। फर्दर ये हाइड्रोजन PbO2 को अटैक करता है, PbO बनाता है, फिर PbO H2SO4 से रिएक्ट करके PbSO4 बनाता है और ये इस पर जमा होता रहता है। तो इस तरह से बैटरी ये कंटिन्यूसली डिस्चार्ज होती रहती है। करता हूँ आपको ड्राई सेल समझाने की, है ना। जो ड्राई सेल होते हैं उसको भी आप इसी तरह से समझ सकते हो बच्चों। ड्राई सेल में प्रोसेस फंडामेंटल यही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना। यहाँ लिथियम क्या कहते हैं इसको यार, कार्बोनेट, अबे ये क्या होता है, कोबाल्ट, सॉरी लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड ऐसा कुछ एक कंपाउंड होता है, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड यहाँ पर, ठीक। यहाँ बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है पेस्ट की फॉर्म में, है ना, पेस्ट की फॉर्म में, उस पर एल्यूमिनियम वगैरह भी चिपके होते हैं, उसने डिटेल हमको नहीं जाना, ठीक है। तो यहाँ सोच लो कि एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, बस यहाँ वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, ठीक ठीक है, ओके। और यहाँ पर होते हैं ग्रेफाइट, ठीक है, यहां पर ग्रेफाइट होते हैं, दीज आर ग्रेफाइट, ठीक। तो इनिशियली इस बैटरी को बनाया कह जाता है, ग्रेफाइट इधर, ग्रेफाइट इधर, ये कुछ कंपाउंड लिथियम, बेसिकली याद रखो कंपाउंड का फॉर्मूला गलत भी हो कोई दिक्कत नहीं, लिथियम और कोबाल्ट और ऑक्साइड ये चीजें होती हैं, ठीक है। ये बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, सेमी परमेबल है, लिथियम आयन को इधर पास करने देगा। अब जैसे इसको आप बैटरी से कनेक्ट करते हो एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज करने के लिए, ठीक है, तो एक्सटर्नल सोर्स से आपने कनेक्ट किया तो क्या होगा, देखो लिथियम ऑक्साइड जो है अपने आयन्स में टूट जाता है, कैसे, Li++ और ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है CO-, तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली जो होते हैं वो इधर अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, Li++, एक तो लिथियम आयन बनता है, लिथियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो लिथियम जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, देखो यहां, है ना, तो यहां वो इकट्ठे होते रहते हैं। जैसे ही लिथियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Li++ बना रहा है और अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते हुए यहां चिपके जा रहे, ठीक। ये नेगेटिव वाला को रिपल कर रहा है, यहां भरे जा रहा है। अब Li++ यहां क्या करेंगे, Li++ भी देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव चार्ज हो गया ना, तो ये भी क्या करते हैं, एक फोर्स फील करते हैं, देखो एक तो इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, ये जा रहे हैं इधर, अब बचे Li++, जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो भी क्या करते हैं, फोर्स फील करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अंदर बन गया, इधर माइनस इधर प्लस, तो ये लिथियम आयन भी जो है इधर इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू मूव कर जाते हैं, इतनी जल्दी मूव नहीं करते, आराम आराम से मूव करते हैं क्योंकि बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट ना भरो तो क्या होगा, एकदम से मूव कर जाएंगे और बैटरी ब्लास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बैटरी ब्लास्ट होने का रीजन यही होता है ज्यादातर कि जो इलेक्ट्रोलाइट है ये हीट अप हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है, ठीक है। इनको मुश्किल होनी चाहिए, Li एकदम नहीं जाने चाहिए अंदर, एकदम जाएंगे तो तुम पता है क्या होगा, एकदम ब्लास्ट हो जाएगा बैटरी में, तेजी से रिएक्शन होगी। तो ये आराम से फ्लो करते हुए इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू यहाँ पहुंचते रहते हैं, और देखो ये न्यूट्रल भी होते रहते हैं साथ साथ, है ना, न्यूट्रल हो रहे कि नहीं, Li++ इलेक्ट्रॉन क्या मिले, न्यूट्रल, ये Li एटम बनता रहता है, है ना। तो ये Li एटम जो होता है लिथियम एटम, ये कहां इकट्ठा होता रहता है, इन कार्बन या ग्रेफाइट जो है इसके बीच में इकट्ठा होता है। ये ग्रेफाइट का काम सिर्फ स्टोर करना है, देखो लिथियम एटम जो है वो अकेला नहीं एग्जिस्ट कर सकता, Li+Li बना लेगा Li2, LiO2 कुछ भी, है ना, तो लिथियम जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता उसके एटम, तो इसीलिए हमने उसको कहां रखा हुआ है, हमने रखा उसको ग्रेफाइट के बीच में, ग्रेफाइट के बीच में वो स्टोर होता रहता है, इस तरह से स्टोर होता रहता है कि दो लिथियम एटम जो है रिएक्शन ना कर पाए। तो ये कार्बन यानी ग्रेफाइट के बीच में स्टोर होता रहता है लिथियम लिथियम लिथियम, इधर कोबाल्ट ऑक्साइड वगैरह जो बचता होगा, तो ये, तो इधर देखो यहां से इलेक्ट्रॉन गए, तो इलेक्ट्रॉन गए तो इधर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से। और उधर साथ साथ लिथियम आयन क्या कर रहे हैं, लिथियम आयन भी इधर फ्लो होते जा रहे हैं, न्यूट्रल भी होता जा रहा है, दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, ऐसे नहीं कि पॉजिटिव रिमेन है ना, ये पॉजिटिव बना Li++ बना, लेकिन ये साथ साथ फ्लो भी हो गए, तो धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज भी कम होता जाता है, न्यूट्रल इधर भी न्यूट्रल इधर भी न्यूट्रल, ठीक है। अब ऐसा मान लो कि सारे जो लिथियम आयन बने ये सारे इधर चले गए, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल। ऐसे ही ये सारे इलेक्ट्रॉन रिएक्शन कर गए Li से और Li एटम बन गया, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल। तब हम बोलेंगे बैटरी हो गई अब फुल्ली चार्ज, ठीक है। अब बैटरी चार्ज हो गई जब हमने सारे लिथियम इधर ले आए और सारे जो है, हाँ सारे लिथियम इधर ले आए बस और क्या, ठीक है, इसको बोलते हैं बैटरी फुल्ली चार्ज हो गई। अब ये डिस्चार्ज कैसे होगी, देखो लिथियम आयन बैटरी, हाउ विल इट गेट डिस्चार्ज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान सुनो इसको, है ना, थोड़ा सा इसके एनिमेशन में भी और दिखाएंगे, चलो। तो ये है इस तरह से, अब नया स्ट्रक्चर क्या बना, नया स्ट्रक्चर ये बना कि जो लिथियम बाबा है,
ठीक है, तो लिथियम बाबा इधर इकट्ठे हो गए। अब लिथियम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए हमने उसको ग्रेफाइट के बीच में इकट्ठा कर रखा है। ग्रेफाइट का कुछ काम नहीं है, सिर्फ स्टोर करना है इनको अलग अलग करके। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, कोबाल्ट वगैरह कुछ है, कोबाल्ट ऑक्साइड कुछ भी इस तरह से है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है ना, बीच में क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब हमने इसको एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दिया इस तरह से। आप सोचो जब हम इसको एक्सटर्नल सर्किट से इनके लोड से जोड़ेंगे, अब हमने बैटरी कनेक्ट नहीं करी, लोड से इसको जोड़ दिया, तो लोड से जोड़ेंगे तो देखो लिथियम क्या है, लिथियम बहुत बढ़िया इलेक्ट्रो पॉजिटिव आइटम है, तो लिथियम, और इधर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मटेरियल भरा हुआ है, कोबाल्ट ऑक्साइड वगैरह, तो लिथियम क्या करेगा, अपने आप को ब्रेक कर लेगा Li++ और इलेक्ट्रॉन्स में, Li+3 व्हाटएवर, हम तो चार से मतलब रखें, Li++ Li++ और इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हम पता है इलेक्ट्रॉन जो है इधर फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। बोलो भाई Li ने क्या किया, Li++ और इलेक्ट्रॉन बना लिया, तो जो लिथियम आयन है वो इधर होना फ्लो, इधर फ्लो होना, तो देखो इधर लिथियम लिथियम तैयार हो गया, इधर कोबाल्ट ऑक्साइड वगैरह ये तैयार हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे हमने इसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया, तो लिथियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है लूज करके आयन बना लेगा Li++ और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, है ना। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोबाल्ट ऑक्साइड वगैरह जो भी इधर है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये इस तरह से इधर फ्लो हो जाएंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 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 इकट्ठे होते रहेंगे, है ना, तो ऐसे तो इधर माइनस माइनस चार्ज इकट्ठा होता रहेगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि और इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो नहीं हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपल, भाई इधर नेगेटिव इकट्ठा हो रहा है ना, और इधर से भी इलेक्ट्रॉन आया तो ये इसको रिपल करके वापस भेज देंगे, तो इससे बचने के लिए क्या होता है, ये है इलेक्ट्रोलाइट। फिर से देखो तो Li++, अब उल्टा प्रोसेस होगा, जब भी चार्ज हुआ था तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करे, इधर चले, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर चले वैसे ही जो Li++ है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इधर चले, उनको न्यूट्रल करते रहते हैं लगातार। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन इधर गए, दो Li+ इधर आ गए, उसको क्या कर दिया, न्यूट्रल, दो इलेक्ट्रॉन इधर गए, दो Li+ इधर आ गए, क्या कर दिया, न्यूट्रल। ठीक है, तो और वापस क्या बना रहे हैं, वो अपना वही कंपाउंड Li CO O2 जो भी है वो बनाते रहते हैं न्यूट्रल कर करके। ठीक है, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड लिथियम कोबाल्ट न्यूट्रल कर करके बना रहे हैं ना, तो एक टाइम ऐसा मान लो एग्जेजरेशन के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर चले गए, या सारे जो लिथियम एटम थे वो आयन में बट गए, है ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो गए, लिथियम इधर चले गए, फिर से क्या बन गया, न्यूट्रल, और बैटरी क्या हो गई, डिस्चार्ज। फिर से आपने इसको बैटरी से कनेक्ट करना है, लिथियम टूट जाएंगे आयन्स में, आयन इधर इलेक्ट्रॉन इधर, क्लियर हुआ, तो इस तरह से जो ड्राई बैटरी या ड्राई सेल काम करती है। ठीक है, ओके, देखो दोस्तों हमने लिथियम आयन बैटरी को दिखाया है, तो यहाँ पर राइट साइड में ग्रेफाइट क्रिस्टल है और लेफ्ट साइड में देखो लिथियम ऑक्साइड है। जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड जो है आयन्स में टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू राइट साइड में यानी कि ग्रेफाइट क्रिस्टल के अंदर जाकर के इकट्ठे होते रहते हैं। लिथियम आयन एक अट्रैक्शन फील करते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से और ये इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ग्रेफाइट क्रिस्टल के अंदर जाकर के इकट्ठे रहते हैं। तो ग्रेफाइट क्रिस्टल होने की वजह से लिथियम आयन इधर आपस में रिएक्ट नहीं कर पाते और अलग अलग ये एटम या आयन बच जाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस तरह से ये फ्लो होता रहता है और बैटरी, जब ऐसा मान लो कि सारे जो लिथियम आयन है वो लेफ्ट से राइट में आ गए, तब क्या हो गया, बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, हमारे मोबाइल की बैटरी की बात चल रही है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको एक्सटर्नल सोर्स से, जैसे कि यहाँ बल्ब दिखाया गया है, इससे आप कनेक्ट कर दो। तो जैसे ही आप इसको बल्ब से कनेक्ट करोगे तो सोचो क्या होगा, जो ग्रेफाइट क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन बचे थे, ये इकट्ठे जो हुए थे, ये वापस जो है लेफ्ट साइड में जाने लगते हैं ऑक्साइड की तरफ, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर पहुँच जाते हैं तो फिर से देखो नेगेटिव चार्ज उधर ज़्यादा हो गया, तो इसलिए राइट साइड वाले जो लिथियम आयन होते हैं ये फिर से एक अट्रैक्शन फील करते हैं और ये इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू फिर से लेफ्ट साइड में जमा होते हैं और क्या करते रहते हैं, फिर से लिथियम ऑक्साइड जो है बनाते रहते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइज होता रहता है। तो अगर ये बाई चांस इलेक्ट्रोलाइट की लेयर टूट गई तो देखो क्या होगा, तुरंत एकदम इलेक्ट्रॉन और लिथियम आयन राइट साइड में फ्लो कर जाएंगे जिससे बैटरी बस्ट हो सकती है। तो इससे बचने के लिए बच्चों हम सेपरेटर का यूज़ करते हैं, है ना, ये सेपरेटर क्या करता है, ये इसको ड्राई अप नहीं होने देता, इवेपोरेट नहीं होने देता और साथ साथ इलेक्ट्रॉन को भी ये राइट साइड में नहीं जाने देता। तो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ फ्लो हो सकते हैं लिथियम आयन्स।